कि रमज़ान का जो पवित्र महीना है, सरदार शेर की अगर मैं बात करूं तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के हम रमज़ान का जो पवित्र महीना हम सब इंजॉय करते हैं, मानते हैं। और हाँ, ये एक बहुत ही पहल और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत पैगाम है। मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, उसमें कोई भी प्रकार का ऐसा मतभेद नहीं नज़र आता है। मैंने बरसों बरस इनके कार्यक्रमों में रहा हूँ। इफ्तार की आज पार्टी रखी है, पार्टी तो कहना गलत वर्ड है। हिंदुस्तान में आपका आना जाना घूमना रहता है, सरदार शहर की जो है आबो हवा किस तरीके से देखते हैं? गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करती तस्वीर आज सरदार शहर के कुबेर हाउस से सामने आई। बामा से आसेट विकास कुमार मालू ने आज रोज़ा इफ्तार की दावत दी, जिसमें सरदार शहर से भारी संख्या में रोजेदारों ने रोज़ा खोला। मुस्लिम मान्यता के अनुसार शाम के वक्त रोज़ा खोला जाता है, जिसमें 6:57 मुकर्र समय था। मौलाना उस्मान ने दुआ की और रोज़ा इफ्तार शुरू हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, विधायक अनिल शर्मा, सालासर पुजारी हंसराज जी, विकास कुमार मालू, उमरुद्दीन सैयद, नूर मोहम्मद खोकर, बशीर खोकर, मनफुर खां फौजी, जितेंद्र सिंह राजवी, अब्दुल रशीद चैल आदित ने तमाम रोज़ादारों के साथ दुआ की। इफ्तार के बाद कुबेर हाउस के बड़े हॉल में नमाज अदा की गई, जिसमें देश में अमन सुकून की दुआ मांगी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सरदार शहर का मिजाज निराला है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल है। सालासर मंदिर के पुजारी ने कहा, सरदार शहर का भाईचारा देख मन गदगद हो जाता है। विकास कुमार मालू ने पूरे देश में अमन शांति की हमने दुआ की ऐसा बताया। ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी ने कहा, मालू परिवार का गंगा जमुनी तहजीब के लिए शानदार नवाचार है। इस अवसर पर इच्छापूर्ण मंदिर के पुजारी बिड़ला जी, नवाब खां, फारूक जान मोहम्मद, मुंशी तेली, पिंटू नाई, आसिफ खोकर, शोएब बिसायती, फुस्से खां, चांद खां, बुंदू नाई, इमरान खां, मुमताज टिटी और सैकड़ों रोजेदार मौजूद रहे। सरदार शहर की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करता हुआ ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, सरदार शहर के कुबेर हाउस में खड़े हैं। यहाँ पर भामाशाह सेठ विकास कुमार मालू हमारे साथ हैं और रोजा इफ्तार की दावत में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आज को कार्यक्रम है कि कुछ कार्यक्रम है आज पावन महोत्सव के ऊपर, रमजान के पावन महोत्सव पर इफ्तार की आज पार्टी रखी है। पार्टी तो कहना गलत वर्ड है, पर इफ्तार की दावत है आज आए। इफ्तार की दावत भी होगी, अंदर नमाज को कार्यक्रम भी होगी, क्या क्या कुछ तरीके की खुशी मिल रही है? बाहर सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और सब लोग आज आई कर रहे हैं दुआ की पूरे देश में अमन शांति और सब कुछ कायम रहे। आए बहुत बड़ी चीज़ है, संपन्न हुई है और जो चल रही है दावत है, इससे पूरे कार्यक्रम पर क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, दानवीर सेठ विकास जी मालू फैमिली के द्वारा ये रोज़ा इफ्तार की दावत रखी गई है। और हम सब जानते हैं कि रमज़ान का जो पवित्र महीना है, सरदार शहर की अगर मैं बात करूँ तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के हम रमज़ान का जो पवित्र महीना हम सब इंजॉय करते हैं, मानते हैं। और अभी ईद आने वाली है तो हम सब मिलकर के दानवीर भामाशाह सेठ विकास जी मालू के द्वारा आज रोज़ा इफ्तार की दावत दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि हज़ारों मुस्लिम भाई आज यहाँ पर दावत के लिए पधारे हैं। तो मैं रमज़ान के इस पवित्र महीने में सभी मुस्लिम भाइयों को अग्रिम ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और जो बड़े भैया दानवीर सेठ विकास जी मालू है, उनका विशाल हृदय हम सब जानते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में बात हो, सामाजिक क्षेत्र में बात हो, चिकित्सा के क्षेत्र में बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में वो लगे रहते हैं। और लोगों का जो स्नेह प्यार है वो विकास जी मालू के प्रति देखते ही बनता है। पूरा शहर उनको पसंद करता है। और आज जिस प्रकार से जो मुस्लिम भाई है, आज उन्होंने बढ़ चढ़ कर आज जो रमज़ान के महीने में जो दावत रखी है, भाग लिया है, ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज विकास जी मालू के द्वारा दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस शहर को किसी भी व्यक्ति की नज़र ना लगे और सभी हिंदू और मुस्लिम भाई की जो हमारी परंपरा है ये निरंतर चलती रहे और इसी प्रकार से हम हर तीज त्यौहार मनाते रहें। सालासर धाम के पुजारी हंसराज जी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस कार्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। सरदार शहर रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पर?
देखो आज प्रथम नवरात्र है, इसलिए मैं हिंदू समाज को सबको प्रथम नवरात्र की जय श्री बालाजी की। और ये रमजान का महीना पवित्र दिन है आज उन लोगों का। वैसे तो देखो सरदार शहर की एक मिसाल है, सरदार शहर के ये मुस्लिम समाज और हिंदू समाज उसमें कोई भी प्रकार का ऐसा मतभेद नहीं नज़र आता है। मैंने बरसों बरस इनके कार्यक्रमों में रहा हूँ, वास्तव में एक सरदार शहर की मिसाल है। और आज का दिन इनका पवित्र है, आज इनको देख करके एक जगह इकट्ठा होकर के आज बहुत मन में खुशी है। और ये रोज़ा इफ्तार पार्टी बहुत शांति से अच्छे तरीके से मनाई जा रही है, ये विकास मालू की तरफ से है। और आज जितना भी भाईचारा बढ़ता है हमको बहुत बड़ी खुशी है इनके साथ रहने में। जय श्री बालाजी की। रोज़ा इफ्तार की दौड़ में सरदार शहर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए विकास मालू जी मेरे दोस्त हैं और मूलचंद मालू जी की बरसी है कल, तो ऐसे मैं उनको याद कर रहा था। मेरा उनका रिश्ता बहुत पुराना था, बहुत मानते थे बेटे की तरह, तो उनकी बरसी में आने के लिए मैंने सोचा कि ऐसे आके शामिल हो जाऊंगा। तो मुझे पहले ही आना था, तो मैंने कहा रोज़ा तो आप ही क्या खोलेंगे, तो हमारे लिए इफ्तार हुआ और साथ में पूरे इलाके के लोगों के साथ भी इफ्तार की दावत हो गई। बहुत अच्छा मैसेज भी इससे गया है इस इलाके में। पूरे हिंदुस्तान में आपका आना जाना घूमना रहता है, सरदार शहर की जो है आबोहवा किस तरीके से देखते हैं? सरदार शहर में लोग बहुत मिल के रहते हैं और जात धर्म से ऊपर उठकर सोचते हैं। सरदार शहर शहरों का सरदार है। आप पर देखो रोजा इफ्तार की दावत है, उसमें सवाल तो नहीं करना, लेकिन एक छोटा छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। पॉलिटिकल सवाल नहीं जवाब दूंगा, छोटा सा सवाल है, कोई भी छोटा हो या बड़ा। सरदार शहर में रोजा इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया सेठ विकास कुमार मालू द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत ही पहल और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत पैगाम है, आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत का। यही हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की परंपरा रही है, यही आपस में तहजीब रही है कि हम एक दूसरे से मिलके चलें और एक दूसरे के पैगाम में, एक दूसरे की दावत के अंदर आमद रफ्त करें। इससे प्यार और मोहब्बत बढ़ता है और इससे आपस में प्यार मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती है। और ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम है विकास जी मालू जी की तरफ से, मैं उनका बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके का आयोजन बार बार किया जाए। और हमारे यहाँ वो ईद के अंदर, ईद के मौके पर भी तशरीफ़ लाते हैं, उस वक्त भी जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो इस तरीके का ये हिंदुस्तान की लक्चर ऐसा रहा है कल्चर, मैं ये चाहता हूँ कि जो सरदार शहर करता है उस तरीके का पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो नफरती माहौल है वो ख़त्म हो और प्यार मोहब्बत का माहौल ये बाकी रहे, और ये हमेशा इसी की बिना पर हिंदुस्तान पहचाना जाता है। जय हिंद, जय भारत। सभापति अब्दुल रशीद चहल हमारे साथ हैं, पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम? मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में इस देश ने एक नारा दिया था हजारों साल पहले, वसुमदेव कुटुम्बकम। ये देश हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चला है, भाईचारे पे चला है, उसी की एक रूपरेखा सरदार सर में बड़े भाई विकास मालू ने यहाँ की है और अपने अकलियत के लोगों को आज रोज़ा इफ्तार की दावत दी और यहाँ दुआएं की गई इस देश में, दुनिया में अमन चैन और भाईचारा कायम रहे। भाई विकास मालू ने जो मिसाल सरदार सर में जो लो उठाई है, मुझे पूरा यकीन है कि ये देश और दुनिया में भी कामयाब रहेगी। आज की इफ्तार का मुख्य जो मेन मकसद था वो यही था। जो सरदार शहर है वो हर काम में निराला है और जो गंगा जमुनी तहजीब है सरदार शहर की, वो है एक अलग ही मिसाल है उसकी। और आप पूरा कार्यक्रम आपने देखा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो आप शेयर करते रहें। AK24 आपका खबरी, बहुत बहुत धन्यवाद।